नागरिक सुरक्षा के तत्वावधान में प्रकाश प्रतिबंध ब्लैक आउट का व्यापक मॉक ड्रिल काल्पनिक प्रदर्शन तारामंडल क्षेत्र में जिलाधिकारी नियंत्रक विजय किरण आनंद एवं उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में किया गया। एनएक्सी भवन को नियंत्रण कक्ष बनाया गया था, जबकि चंपा देवी पार्क को डैमेज एरिया घोषित किया गया। ठीक शायद 7 बजे 12 सेवाओं के ऑफिसर कमांडिंग एनएक्सी भवन के नियंत्रण कक्ष में एकत्र हुए और स्थितियों का जायजा ले रहे थे। शाम 7:30 बजे नियंत्रण कक्ष में सूचना प्राप्त हुई कि दुश्मन देश का लड़ाकू विमान हमारी सीमा में प्रवेश कर गया है और शीघ्र ही बम गिराने वाला है। नियंत्रण कक्ष से प्राप्त सूचना के क्रम में क्षेत्र का विद्युत सप्लाई बाधित कर दिया गया और पथ प्रकाश भी बुझा दिया गया। जनमानस को भी सायरन बजाकर खतरे का संकेत दिया गया, ताकि लोग अपने अपने घरों की बत्तियां बुझाकर सुरक्षित एवं खुले स्थान पर शरण ले। प्रकाश प्रतिबंधित क्षेत्र में दुश्मन का जहाज क्षति पहुंचाने या बम गिराने में कामयाब ना होने पाने के कारण भ्रमित होकर अन्य जगह दिशा में चला गया। प्रकाश प्रतिबंध क्षेत्र में दुश्मन कामयाब न होने से नियंत्रण कक्ष से सूचना प्रसारित की गई कि दुश्मन खतरा टल गया है। तत्पश्चात दुश्मन अपने मिशन को कामयाब करने में सफल हुआ और चंपा देवी पार्क में तीव्र प्रकाश देकर अपने मिशन में कामयाब हुआ और वहीं बमबारी कर दिया। जैसे ही घटना नियंत्रण अधिकारी एवं रेकी अधिकारी द्वारा रेकिंग करते समय दुश्मन द्वारा किए गए हमले की सूचना नियंत्रण कक्ष को दी गई कि चंपा देवी पार्क में दुश्मन द्वारा हमला किया गया है। स्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष में तैनात कंट्रोलर द्वारा सभी सेवाओं को आदेशित किया गया कि घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल निरीक्षण कर अपनी अपनी टीम के साथ दुश्मन के द्वारा किए गए हमले के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्य करें। वार्डन सेवा के ऑफिसर कमांडिंग चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने वार्डन सेवा को तत्काल सक्रिय किया तथा फर्स्ट एड रेस्क्यू फायर टीम बचाव कार्यों में जुट गई। नियंत्रण कक्ष से सभी सेवाओं के ऑफिसर कमांडिंग अपनी अपनी टीम के साथ रवाना हुए और मौके पर जाकर संबंधित सेवाओं में अपना अपना कार्य प्रारंभ किया। डैमेज एरिया में नागरिक सुरक्षा के रेस्क्यू टीम एवं ऑफिसर कमांडिंग रेस्क्यू द्वारा जनमानस में बचाव कार्य से तत्काल प्रारंभ किया तथा घायल व्यक्तियों को अलग अलग मेथड से रेस्क्यू कर बचाव कार्य किया। कुछ घायल व्यक्तियों के लिए नागरिक सुरक्षा फर्स्ट एड एवं हताहत सेवा के ऑफिसर कमांडिंग की टीम के द्वारा घायल व्यक्तियों को फर्स्ट एड देते हुए उन्हें एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। ब्लैक आउट की मॉक ड्रिल काल्पनिक प्रदर्शन की अपर जिलाधिकारी नगर विनीत कुमार सिंह द्वारा समीक्षा की गई तथा सभी सेवाओं के द्वारा किए गए कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। प्रदर्शन में सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश, सहायक उप नियंत्रक बनवारी लाल, तीनों प्रखंडों के डिविजनल वार्डनों के नेतृत्व में स्टाफ टू चीफ वार्डन, वार्डन सेवा, फायर एवं वरिष्ठ मुख्य अवैतनिक ऑफिसरों, सभी रेकी ऑफिसर, घटना नियंत्रण अधिकारी, पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन एवं स्वयं सेवक एवं रेस्क्यू टीम, फायर टीम एवं फर्स्ट एडर टीम ने तन्मयता से सहयोग किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी और अपर जिलाधिकारी नगर विनीत कुमार सिंह ने कहा, ये घायल है, घायल हुए हैं। इसकी तो सचमुच एक्टिंग हो गई भाई। इधर देखिए, चलो चलो जल्दी से चल जाओ, पानी वापस चलाओ जल्दी, लाइट आने दो, अपने अपने जगह पर।
वापस आइए बस तुम लोगों को मालूम है ना क्या पानी ये भी नहीं मालूम है ये भी गिरेगा इसका कोई नहीं ले रहा है स्नेहा फोटो खिंचाओ सही से हाँ सर कमांडेंट आकर के हर लेट जा रहा है ये तो 20,000 pounds तक का होता है लेकिन अभी छोटा नमूना है केवल ठीक है इसमें TNT ट्राई नाइट्रो टाइलविन इसमें होता है विस्फोटक भरा जाता है ठीक और यही गिरेगा तो पूरा फैला देगा पूरा सचिन बहुत बड़े बड़े होते हैं क्या है इतना बड़े होते हैं कि यहाँ पूरा भूकंप जैसा आ जाएगा Oh!
दीजिए सर की तरफ से। ये मॉकड्रिल एयर रेड डेमोंस्ट्रेशन का है जिसमें कि हम लोग पब्लिक को ब्लैकआउट की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इस बार हम लोगों ने ये मॉकड्रिल किया है। ये फाइटर प्लेन आ रहा है इस समय और अब यहाँ पे ये बम्बार्डमेंट करके ये एरिया में चला जाएगा, तो हम लोग अपने वार्डन्स को और पब्लिक को यही ट्रेन करना चाहते हैं कि अगर जब कभी ऐसी स्थिति हो जब दुश्मन का जहाज आ करके आक्रमण करके चला जाए तो उसके बाद अब ये सीन क्रिएट किया गया है, इसके बाद हमारे वार्डन्स जो घायल होंगे उनको एम्बुलेंस से अस्पतालों में भेजेंगे, जिनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर होगी, जिनकी कम स्थिति गंभीर होगी उनको यहीं पर ही ड्रेसिंग करके यहीं उपचार करके उनके घरों पर भेज दिया जाएगा। और सभी पब्लिक को भी आज ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर कभी दुश्मन हम पर आक्रमण करता है तो किस प्रकार से ब्लैकआउट का पालन करना है और उस समय अपनी रक्षा कर लिए, कैसे आपको बम्बार्डमेंट के दौरान ज़मीन पर लेटना है, कैसे कैसे आपको नियम कानून फॉलो करने हैं, इसके बारे में भी आज हम लोग पब्लिक को यहाँ पर पूरा अवेयर कर रहे हैं। मॉकड्रिल में कितने विभाग हिस्सा ले रहे हैं? मॉकड्रिल में हमारे सिविल डिफेंस की 12 सेवाएं हैं जिसमें कि स्वास्थ्य सेवा से लेकर के पुलिस सेवा, होमगार्ड सेवा और दूरसंचार सेवा, बिजली वालों के हमारे साथ साथ बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने संपूर्ण क्षेत्र को ब्लैकआउट करने में हमारी बड़ी मदद की है। तो इस प्रकार से सभी 12 सेवाएं हमारी हमारे साथ मिलकर के और हम सिविल डिफेंस वाले अपने सभी सिविल डिफेंस साथियों के साथ सभी वार्डन्स के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। ये नागरिक सुरक्षा के कोर के द्वारा एक ब्लैकआउट का मॉकड्रिल आज किया गया है गोरखपुर में, जिस प्रकार से कहीं कोई हवाई हमला हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए तो उससे निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए ये ड्रिल किया गया जिसमें नागरिक सुरक्षा कोर के सभी चीफ वार्डन और उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा और फायर सर्विस, पुलिस सर्विस, इसके अतिरिक्त CMO साहब के यहाँ से एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, इन सभी के द्वारा प्रतिभाग किया गया और हम लोग एक जो तैयारी के दृष्टिगत इसको किए हैं। आज क्या संदेश देना चाहेंगे जनता में? जनता में यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर हम किसी इस तरह की घटना से, कोई आतंकवादी घटना हो, कोई विदेशी हमला हो, तो उसमें हमें अपनी सरकार की तो तैयारी होती ही है, साथ ही साथ हमें अपने बचाव के लिए भी कुछ तैयारियां करनी होती हैं। जैसे हम लोग बाढ़ आता है तो बाढ़ के लिए भी कुछ तैयारियों के लिए निर्देश देते हैं लोगों को, या किसी अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे एक तैयारी की पूर्व की ड्रिल हमारी होती है, तो उसी तरीके से किया जाए।